नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नागौर लोकसभा सीट, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जीत और हार का अंतर इतना बड़ा रहेगा। चुनाव के नतीजों से पहले ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। जानकारों का तो बस इतना ही मानना था कि इस लोकसभा सीट पर जीत और हार का अंतर मात्र 30,000 से 50,000 के बीच रहेगा। नागौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत मानी जा रही थी। ज्योति मिर्धा के साथ 2018 विधानसभा चुनाव में जीते हुए युवा विधायकों की फौज भी साथ खड़ी थी, लेकिन फिर भी ज्योति मिर्धा की करीब 2.25 लाख वोटों से हार मिली। अब आपको ज्योति मिर्धा के हारने के 5 कारण बताते हैं और हनुमान बेनीवाल के जीतने के 5 कारण भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्योति मिर्धा की हार के 5 कारण। सबसे पहला जो बड़ा कारण यह है, पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव नहीं होना परेशानी में डाल दिए ज्योति मिर्धा को। कार्यकर्ताओं से लेकर जो बड़े नेता थे, तमाम बड़े नेता थे, वो भी ज्योति मिर्धा के साथ नहीं दिखे। अब दूसरे बड़े कारण की बात कर लेते हैं। आपको बता दें, पिछली बार जब सांसद बनी थी ज्योति मिर्धा तो नागौर में बहुत कम रुकी और लोगों से जुड़ाव कम देखने को मिला, ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और जो तीसरा कारण है वो भी आपको हैरान कर देगा, बड़े नेताओं का सहयोग नहीं मिल पाया ज्योति मिर्धा को। जहाँ जहाँ बड़े और युवा नेता थे वहाँ बड़ी हार मिली, जैसे नवा, पर्वत सर, जायल और लाडनू जैसे जगहों पर भी बेनीवाल अधिक वोट लिए ज्योति मिर्धा से। और एक कारण ये भी है, ये बड़ा कारण है, आपको याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुद नागौर आए थे ज्योति मिर्धा के प्रचार के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों पर कुछ भी असर नहीं डाल पाए दोनों कांग्रेस के बड़े नेता। और पांचवा और जो सबसे बड़ा कारण ये है कि पार्टी के अंदर जो भीतरघात की खबरें हैं वो भी चुनाव के दौरान नजर आई थी। अब बात कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की जीत के मुख्य कारण। हनुमान बेनीवाल को सभी समाजों से वोट मिले। राजपूत बाहुल इलाकों में भी बेनीवाल ने भाजपा की मदद से बढ़त बनाए रखी, यानी कि ज्योति मिर्धा से ज़्यादा वोट लिए राजपूत बाहुल इलाकों में हनुमान बेनीवाल ने। राजनीति के जानकार ये भी बताते हैं कि डीडवाना में एक सभा आयोजित की गई योगी आदित्यनाथ के द्वारा हनुमान बेनीवाल के समर्थन में, उसका भी फायदा हनुमान बेनीवाल को खूब मिला। तीसरे कारण की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हनुमान बेनीवाल ने खुद वोट मांगे। हर सभा में राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया हनुमान बेनीवाल ने और कांग्रेस को हर आरोप का मुखर होकर सीधे जवाब दिया। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेता हनुमान बेनीवाल के साथ शुरू से लेके आखिरी तक नजर आए, इसका भी फायदा हनुमान बेनीवाल को मिला। और पांचवें कारण की बात करें तो ये सबसे बड़ा कारण है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जो युवाओं की फौज थी वो सक्रिय रही। आपको बता दें, जब बोतल का चुनाव चिन्ह बदला तो हनुमान बेनीवाल को एक झटका सा लगा था, उसके बावजूद भी युवा सक्रिय होकर गांव-गांव में टायर के चुनाव चिन्ह को फेमस कर दिया, यानी कि जो युवा शक्ति थी वो हनुमान बेनीवाल के साथ ज़्यादा थी ज्योति मिर्धा से। हनुमान बेनीवाल को सबसे ज़्यादा लीड खेउसर विधानसभा क्षेत्र से मिली, यहाँ 55,493 वोटों से आगे रहे हनुमान बेनीवाल। हालांकि मकराना विधानसभा क्षेत्र से थोड़े हनुमान बेनीवाल पिछड़ गए। ज्योति मिर्धा मकराना विधानसभा में 5,658 वोटों की लीड के साथ आगे रही। अब ये भी जान लीजिए हनुमान बेनीवाल को कुल नागौर लोकसभा क्षेत्र से कितने वोट मिले और ज्योति मिर्धा को कुल कितने वोट मिले। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, हनुमान बेनीवाल को 6,60,051 वोट नागौर लोकसभा सीट से मिले। वहीं ज्योति मिर्धा की अगर बात करें तो ज्योति मिर्धा को 4,78,791 वोट मिले। जीत हार के अंतर की बात करें तो नागौर लोकसभा क्षेत्र से ज्योति मिर्धा को 1,81,260 वोटों से हार मिली। प्रधानमंत्री मोदी की लहर के सामने ज्योति मिर्धा नहीं टिक पाई और हनुमान बेनीवाल यहां से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। राजस्थान समेत पूरे देश विदेश की खबरें सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल